हे गाइस, लो प्राइस सेगमेंट में एक प्रीमियम सा कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसको हाथ में लेने से एक प्रीमियम फील होगा, मैं आप लोगों के लिए लो प्राइस सेगमेंट में टॉप 5 बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। ये सारे स्मार्टफोन में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ साथ फ्लैगशिप लेवल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग अच्छा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे, और पावरफुल लेवल का प्रोसेसर मिल जाएगा जिससे हैवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग कर पाओगे। उसके साथ साथ ये सारे स्मार्टफोन में बाकी सारे स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपना नीड, यूजर्स, कंपनी, प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी स्मार्टफोन को सिलेक्ट कर सकते हो। और गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिर तक देखना। आप लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो, वो है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, कर लेना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो है जो स्मार्ट लावा अग्नि 2। ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले की बात किया जाए तो 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व AMOLED डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 950 का नीट पिक ब्राइटनेस मिलता है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और डिस्प्ले की 93% स्किन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। मीडियाटेक की तरफ से डायमंड सीरीज 7050 का 5G चिपसेट मिलती है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 5 लाख का ऊपर एंटीटू स्कोर निकल के आती है, पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है। बात करें स्मार्टफोन के कैमरा का, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4700mAh की बैटरी मिल जाती है 66W फास्ट चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो 22,000, डिस्काउंट में 20,000 के अंदर ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। 20,000 का प्राइस सेगमेंट में कोई भी स्मार्टफोन में कर्व्ड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा ये स्मार्टफोन को छोड़ के। उसका बजट 20,000 के आसपास है तो आप लोग डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का परचेस कर सकते हो। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे आती है रियलमी की तरफ से 11 प्रो प्लस। ये स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। 950 नीट पिक ब्राइटनेस मिलती है, 360Hz टच सबमिट रेट मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, 93% का ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है। बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 7050 का 5G चिपसेट मिलती है जो 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 550,000 के आसपास एंड्रॉइड को निकल के थे, 9 5G बैंड को सपोर्ट करती है। ये स्मार्टफोन में मिड रेंज का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस की, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाता है, मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और सेल्फी कैमरा से 1080p पे 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और बहुत सारे फोटोग्राफिक्स मोड मिल जाते हैं, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करता है 100W फास्ट चार्जिंग को, जो 0 to 100% जस्ट 26 मिनट में करके देगा। और स्मार्टफोन में 3D स्पीकर मिलती है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाती है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लूज डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन के हाथ में लेने से प्रीमियम फील होगा। प्राइस की बात की जाए तो 8GB रैम, 256GB मेमोरी मिल जाएगा 28,000 में, ऑफर के साथ 26,000 के अंदर मिल जाएगा स्मार्टफोन। और आप लोग Realme 11 Pro को लेना चाहते हो, ये दोनों स्मार्टफोन में थोड़ा सा डिफरेंस है कैमरा और चार्जिंग स्पीड का। Realme 11 Pro में 100 मेगापिक्सल का कैमरा मिलती है और 67W का फास्ट चार्जिंग मिलती है। इस स्मार्टफोन का प्राइस का बात की जाए तो 8GB रैम, 128GB मेमोरी 23,999 रुपीज, ऑफर के साथ 22,499 रुपीज में मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो Realme 10 Pro Plus को खरीद सकते हो, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। हमारा लिस्ट में नंबर 3 पे आती है वो है Motorola की तरफ से H40। स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो MediaTek की तरफ से Dimensity 8020 का 5G चिपसेट मिलती है, 6 नैनोमीटर में बेस्ड है, 7 लाख का करीब एंड्रॉइड को निकल के आती है, 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। बात करें स्मार्टफोन का डिस्प्ले की, 6.55 इंच का फुल HD प्लस PoLED डिस्प्ले मिलती है 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है 1200 निट पिक ब्राइटनेस के साथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। बात करें स्मार्टफोन का कैमरा की, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और मैक्रो कैमरा मिलता है, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS सेंसर देखने को मिलता है, फ्रंट एंड रियर। स्मार्टफोन का तीनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। स्मार्टफोन में कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन में 4400 का बैटरी मिलती है 68W फास्ट चार्जिंग के साथ, और 15W वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में। ये स्मार्टफोन में IP68 का वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाता है जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगी। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का प्राइस की बात किया जाए तो 8GB रैम, 256GB मेमोरी, डिस्काउंट लगा के मिल जाएगा 28,000 के अंदर। हमारा लिस्ट में नंबर 27। ये मोबाइल में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का चिपसेट देखने को मिलता है, 7 लाख का ऊपर एंटीटू स्कोर निकल के आता है। ये मोबाइल में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा।
स्मार्टफोन का कैमरा का बात किया जाए तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी के तरफ से IMX766 का सेंसर मिल जाता है और OIS मिल जाता है और सेल्फी कैमरा में OIS देखने को मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस ब्यूटीफुल कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है 66 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ कलर चेंजिंग बैक पैनल मिल जाता है और पीछे रिंग लाइट देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन में IP54 का रेटिंग देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और ये मोबाइल के प्राइस की बात करें तो डिस्काउंट लगा के 30,000 के अंदर हो जाएगा। नंबर वन पे आता है वन प्लस की तरफ से 11R। ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले का बात किया जाए तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। HDR10 का सपोर्ट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच देखने को मिल जाता है और मोबाइल का कैमरा का बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, सोनी का IMX890 का सेंसर और OIS मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। मेन कैमरा से 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है 100W फास्ट चार्जिंग के साथ और मोबाइल का परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर मिल जाता है जो एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। अब लोगों को फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा और मोबाइल में ऑक्सीजन OIS का सपोर्ट मिल जाता है। मोबाइल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 पे आएगा और मोबाइल का 8GB RAM 128GB मेमोरी। प्राइस की बात करें तो 40,000 के अंदर मिल जाएगा ये स्मार्टफोन।